आपको मैं कह रहा हूं बाहर बाहर पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान, और जिस वीडियो से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है वो लाहौर की है, लाहौर हाई कोर्ट की कापी ब्रांच की है। और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, वो एक वकील की तरफ से किया जा रहा है जिसके हाथ में डंडा है। और वो डंडा जो चल रहा है वो हाई कोर्ट की कापी ब्रांच के जो शीशे हैं, जो खिड़कियां हैं, जो वहाँ पर पूरे काउंटर्स बनाए गए हैं, उन पर चल रहा है। मैं ज़ाती तौर पे वुकला बरादरी को मुल्क में आइन का, कानून का और अवामी हकूक़ का सबसे बड़ा मुहाफ़िज समझता हूँ। और अगर वुकला बरादरी नहीं होगी, हमारे वकील नहीं होंगे, तो हम इंसाफ के लिए और आइन के लिए और जमहूरियत के लिए किसी दूसरे, मैं सियासी जमातों से भी आगे बढ़ के इनकी बात करता हूँ, कि किसी भी दूसरे पर उस तरह एतमाद नहीं कर सकेंगे। उस बहादुरी बेजिगरी के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी आइन की, कानून की, जमहूरियत की, जो हर दौर में लड़ी गई, जो अयूब खान के दौर में भी लड़ी गई, ज़ियाउल हक के दौर में भी लड़ी गई, और अभी कल की बात लगती है कि परवेज़ मुशर्रफ़ के दौर में भी लड़ी गई। लेकिन जब हम इस तरह के रवैयों को देखते हैं तो वुकला बरादरी का एक नेगेटिव जो है इम्पेक्ट हमारे सामने आता है, एक पहलू सामने आता है। हमें लगता है कि जिस तरह, मैं तीन शोबों की ख़ासतौर पर बात करूँगा, सिर्फ वुकला की बात नहीं करूँगा, अपनी कम्यूनिटी की सहाफ़ियों की भी बात करूँगा, और उसके साथ साथ पुलिस की भी बात करूँगा, कि हम में से जो भी इस शोबे में जाता है वो समझता है कि वो गुंडा बन गया है, वो बदमाश बन गया है, वो जो चाहे कर सकता है, उसको पकड़ने वाला, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी देखता हूँ, वहाँ पर भी इस किस्म के रवैये मिलते हैं। लेकिन जब काले कोट की बात आती है तो काला कोट जो है बहुत ज़्यादा इस हवाले से टची हो जाता है। तो जब काला कोट अपने हवाले से इस हद तक टची है कि वो वुकला गर्दी जैसा लफ्ज़ सुनना भी नहीं चाहता, इसको बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता, तो फिर इस किस्म के जब रवैये सामने आते हैं तो हम उसके बारे में क्या कहें? हम किस तरह, जब हम डॉक्टरों की बात करते हैं, वो डॉक्टर जो एमरजेंसीज बंद कर देते हैं, वो डॉक्टर जो आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन थिएटर्स को बंद कर देते हैं, ओपीडीज तो बंद होना खैर एक मामूल की बात बन गई हुई है, तो हम किस तरह कहें कि हम इन तमाम शोबों में इखलाकियात को आगे लेकर चल रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एतमाद के हवाले से बहुत बड़ा सवाल है। ये जो वकील साहब थे, साहिल माजे जहांगीर साहब, ये एक रिट पटिशन की एक तस्दीक शुदा नकल लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, और इनका शिकवा ये था कि इनको जिस मौके पर, जिस जगह पर, जिस टाइम पर वो नकल दी जानी चाहिए थी, वो नकल तैयार नहीं थी, वो नकल इनको नहीं मिल सकी। उस पर ये गुस्से में आ गए, ये बरहम हो गए, और इन्होंने डंडा उठा लिया और कहा कि अब जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, और ये सारा कुछ उन्होंने किया। मैं इस पर एक चीज़ पर शुक्र अदा कर कि शुक्र है इनके सामने पुलिस वाले नहीं थे, इनके सामने साफी नहीं थे, इनके सामने कोई और शोभा नहीं था, बल्कि खुद हाई कोर्ट था, और जिसके तकद्दस की बात की जाती है, और खुद हाई कोर्ट में ये कुछ हुआ नहीं होना चाहिए। हमारी इखलाकियात हैं क्या? हमें अपने वुकला भाइयों के साथ मिलकर, मैं साफ फिर बात कर रहा हूँ, सहाफ़ियों की भी बात करूँगा, पुलिस की भी बात करूँगा, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की भी बात करूँगा जिनकी गाड़ियों पे नीली बत्तियाँ लगी हुई होती हैं और वो अथरे हुए हुए होते हैं, उनकी भी बात करूँगा। इन तमाम को हम किस तरह इनके, पंजाबी का लफ्ज़ है, कैंडे में कैसे रख सकते हैं? हमने अपनी उकास से बाहर नहीं होना, और जब उन तबकात की बात हो जिन्होंने आइन की और कानून की बालादस्ती लानी है, तो उनको कैसे, ये सारा कुछ हुआ क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है?
इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं बहुत ही यहाँ पर मशकूर हूँ जो मेरे मौजूद पैनलिस्ट हैं, यहाँ पर वकला बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सियासत करते हैं, और मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी के मफादात के महाफिज हैं। गुलाम मुर्ज़ा चोई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही लाहौर का, पंजाब का, बल्कि पाकिस्तान का जाना पहचाना मारूफ चेहर हैं वकला सियासत के हवाले से। सीनियर नायब सदर रहे आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही जब हम वकला की कम्युनिटी की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, तो राणा इंतज़ार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राणा इंतज़ार भी बहुत ही नॉन फेस हैं, लाहौर बार का इलेक्शन भी लड़ चुके हुए हैं, इसके साथ साथ और पंजाब बार कौंसिल भी हैं, और बड़े धड़ल्ले के साथ अपनी कम्युनिटी को डिफेंड भी करते हैं। लेकिन बात है अब थोड़ी सी इखलाक की, थोड़ी सी असूल की, थोड़ी सी नज़रिए की। मैं शुरू करना चाहूँगा गुलाम मुर्ज़ा साहब से, सीनियर हैं, पहले मौका देते हैं। मुर्ज़ा साहब, ये काला कोड जो है, ये इतना गुस्से वाला क्यों है, इतना जज्बाती क्यों है, काबू ही नहीं आता? शुक्रिया नजम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली आप थोड़ा सा ज़रा विजुलाइज करें पूरी सोसाइटी को जी, तो सर वक्त के साथ साथ वायलेंस जो है वो हमारी सोसाइटी के तमाम तबकात में, रवैयों में आ गया है, ट्रीटमेंट्स में आ गया है, मामलात में आ गया है। सही है, इसी तरह ये वायलेंस जो है और जो अदम बर्दाश्त है वो यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जो है ना वो हमें ये देखना पड़ेगा कि रवैयों को कैसे हमने कूल डाउन रखना है और किस तरह इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। ये आज तक इस बात पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं। मैं चूंकि साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, फिलोसफी पढ़ी हुई है, तो हमें बीइंग सीनियर और ये थोड़ा सा महसूस करने वाली चीज़ें जो होती हैं, हम उन चीज़ों को महसूस करते हैं, तो उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। एक बंदा जो होता है उसने देखा कि भाई ये मेरे साथ वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है, अब हम जैसा सीनियर बंदा या कोई और बंदा वो तो बर्दाश्त कर लेगा, वो कोई अल्टरनेट और मुनासब उसका रास्ता तलाश करने की कोशिश करेगा। अब जो हमारे भाई, हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट कर सकते, और पूरी सोसाइटी नहीं कर रही सर, ये नहीं कोई वकला नहीं कर रहे। नहीं, फर्क आना चाहिए ना, एक एक लोंडा लपाटा है, वो घर से निकला है, अब्बे की मोटरसाइकिल उसने पकड़ी हुई है सर, और उसके ऊपर निकल गया, उस पर लड़ पड़ा, वो और चीज है। एक वकील सर जो कानून पढ़ के आया हुआ है, जिसने कानून के तहफ्फुज के लिए काला कोट पहना हुआ है, उसमें और एक मेरा ख्याल है जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक कर रहा हूँ। एक रिक्शा ड्राइवर लड़ पड़ेगा ना तो मैं कहूंगा यार ये जाहिल आदमी है, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, सारा दिन ख्वार होता फिर रहा है, ये लड़ पड़ा है तो डेस्परेट हो गया यार, थका हुआ था, पैसे नहीं कमाए हुए, ऊपर से LTC वालों ने, वार्डनों ने उनके चलान कर दिए, मान लिया ठीक है। एक वकील साहब है, कोर्ट पहना हुआ, उन्होंने पढ़े लिखे हैं, कानून को समझते हैं, जाब्तों को जानते हैं, वो इस किस्म का काम करें तो बड़ी ज्यादती, बड़ी ज्यादती है सर। कोई भी बंदा जो हम हमारी लाइव कम्युनिटी में किसी ने भी इसको जो है वो एक्नॉलेज नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, सब ने कंडेम किया है, लेकिन इसके पीछे इदारे जो हैं वो ओवरऑल जो हैं वो डिटेरियोरेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इसी तरह ये इदारे जो हैं वो हाई कोर्ट में, इसमें थोड़ा सा मैं लंबी कर रहा हूँ बात, बहुत हाई कोर्ट ने अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन उसके साथ जो ट्रेनिंग का एक पहलू है ना खान साहब, आपने भी देखा होगा, आप भी जाते रहते हैं, आप हमारा हिस्सा रहे हैं, अब भी हमारे भाई हैं, कोई काम वहाँ पर जो है ना वो रूटीन में नहीं होता, और जो हमारे अच्छा। वो बच्चे हमारे वो जो भाई उधर बैठे हुए हैं, पैरा जुडिशल स्टाफ जो है वो इनका रवैया इंतहाई इंसल्टिंग है और बड़ा ही डेरोगेटरी रवैया होता है उनका, और इस बात को किसने देखना है? इस बात को सर, इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि मैं अपना माजा जहांगीर को सपोर्ट कर रहा हूँ ये इन बातों से, उनका रवैया जो है, उन्होंने जो एक्ट किया है वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, और वो जो है उसके साथ कानून के मुताबिक। लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उसकी रीजनिंग कर रहे हैं, आप उसको सर मुझे एक इदारे की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे माजिद जहांगीर की बात नहीं है, माजिद जहांगीर ने जो किया वो उसको फेस करेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन सर इसके साथ साथ जो है ना वो एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है कि उनकी भी इसलाह जरूरी है। देखें मैंने तो ओवरऑल इदारे को देखना है ना जी, वो भी हमारे भाई हैं ना, हमारे बच्चे हैं जो उधर बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ इसके पीछे भी जाने की जरूरत है, कि ये पीछे भी जाने की जरूरत क्यों क्यों हुआ? इसको तो टेकअप हो गया, ये FIR होगी माजिद जहांगीर के ऊपर, ओके, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स।
से अपना कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन सर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके बैकग्राउंड पे आपकी तरफ आता हूं मैं थोड़ा सा चारों के द्वारा इस पे, वाकई बैकग्राउंड बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। नाज़रीन यहां पर जो बात की जा रही है वो ये है कि जो भी वाक्य होता है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी होती है। वो बैकग्राउंड क्या है, क्या वाकई सिस्टम इतना ख़राब हुआ है कि उस पर सबको गुस्सा आता है, नौजवान वकील खासतौर पे जो वहाँ पर जाते हैं। तो राणा इंजार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान वकीलों की अगर जो बहुत सीनियर हो गए हैं लेकिन इसके बावजूद नौजवान वकीलों की नुमाइंदगी जो है यहाँ पर कर रहे हैं। राणा साहब किस तरह देख रहे हैं इस पूरे वाक्य को? देखें माजे जहांगीर के साथ जो होना था वो हो गया और माजे जहांगीर ने जो करना था वो भी कर दिया। मैं आपको वही बात मुर्तजा साहब ने और आपने खूबसूरत बात की रीजंस की, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। उस पर FIR भी हो गई, 780A भी लग गई, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया, वकील के पास एक लाइसेंस ही होता है, उसकी मेंबरशिप भी हाई कोर्ट ने फौरी सस्पेंड कर दी। मैक्सिमम ड्रास्टिक मेजर जो इसके खिलाफ हो सकते, मगर नजम भाई एक चीज़ यहाँ सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आपने जो बात की, एक रिक्शा ड्राइवर ये कर देता है, वकील साहब के साथ इसलिए होता है, वकील को कानून का पता होता है, उसका पता होता है मैंने राइट्स कहाँ से मिलने हैं, लॉ क्या है, उसको ज्यादा उस वक्त वो जब वो रिएक्ट करता है जब कोई इदारा पुलिस के साथ या कोई इश्यूज बन जाते हैं किसी और के साथ, वो इसलिए कहता है, वो कहता है कि ये जो आप कर रहे हैं अपनी हदूद से आप तजावज कर रहे हैं, आप उस चीज को वायलेट कर रहे हैं, उसको वो रिएक्ट करता है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को या किसी भी इदारे को पसंद नहीं आता। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज इस वाक्य को हुए हुए तकरीबन 1.5 दिन हो गया, मुझे बताएं अभी तक लाहौर हाईकोर्ट ने या रजिस्ट्रार ने क्या एक्शन लिया है कि वो नकल क्यों नहीं बनी? आपने नकल बनवानी हो पैसे दें, यकीन करें ये कॉपी ब्राज करप्शन की माजगा बनी हुई है हाईकोर्ट के नीचे, 1 घंटे में कॉपी बन के आ जाती है उसकी। ये कॉपी जो है उसको 27 तारीख दी गई, उसके बाद उसने बार बार चक्कर लगाए, ठीक है, अब वो ये जो उसने डंडे मारे ये सिस्टम को मारे, उसको जो हुआ उसका जो एक्शन था वो गलत था, ठीक है, मगर आज कल से रजिस्ट्रार साहब ने ये क्यों नहीं किया कि वो जाके चेक करें कि कितनी कॉपियां पेंडिंग है और वो क्यों पेंडिंग है। और वो अब देखें माजिद ने भी जो एक्शन लिया वो किसके लिए लिया, उसके पीछे भी तो कोई पाकिस्तानी सिटीजन है जो उसको बार बार कॉल कर रहा है या बार बार कह रहा है कि यार मेरी कॉपी क्यों नहीं बन रही। अगर एक वकील है, कोई नौजवान वकील है, उसके पास चंद केस हैं, वो बार बार जाके कह रहा है कि मेरी कॉपी बना दें, अब वो तो उससे केस भी ले जाएगा। ये वो सिस्टम, हमें पूरे सिस्टम को अगर एक वाकया हो जाता हम उसके बाद भूल जाते हैं। सही है, ठीक है। अभी अभी ये वाकया हुआ है ना, मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे हैं, बात है कि कॉपी ब्रांच को यकीन करें हाई कोर्ट में। मैं आपको आज एक बात कह दूं जी, हमारी किसी कोर्ट के अंदर भी कोई जज साहब, मैं जस्टिस से आगे जाके बात करने लगा हूं, पैरिटी के साथ फैसले करते हैं ना, बराबरी, यकीन करें कोई उन पर उंगली तक नहीं उठा सकता, उनका सब एहतराम करते हैं, जो पैरिटी नहीं करते फेवरेटिज्म करते हैं वहां इश्यूज आते हैं। मैं आपको बड़ी यकीन से कह रहा हूं, तकरीबन 20 साल मुझे भी यहां हो गए, जो जज साहब जस्टिस से भी आगे पैरिटी पे सिर्फ फैसले करते हैं ना कि सबको फेवरेटिज्म नहीं, एक को ये दे दिया और दूसरे को नहीं दिया, वहां पर प्रॉब्लम होती है। अब वो देख रहे हैं कि नकल ब्रांच में नकलें बन बन के जा रही हैं बार बार, तो क्यों नहीं कल से, इंतहाई अफसोसनाक, हमें जो अफसोस है इस सिस्टम पर कि वकील साहब के खिलाफ तो पूरा एक्शन हो गया, उस एहलकार को क्यों नहीं अभी तक सस्पेंड किया गया जिसने नकल नहीं बना के दी, ये भी तो देखना चाहिए क्या करना है। नकल ब्रांच से कॉपी पकड़नी है, उसकी कॉपी करनी है, मोरे लगा के उसको दे देनी है। आपने 10-10 दिन 20-20 दिन 7-7 महीने आप पैसे ना दो वैसे पड़ी रहती है, आप अदालत के कमरे से निकल के सिर्फ बाहर जाए, जैसा भी तो अंदर बैठे हैं ना, साथ ही एहलकार पीछे आ जाते हैं लोगों से पैसे लेने के लिए। अब हम सारे लाहौर हाईकोर्ट हम इसलिए जाते हैं कि लोगों को जस्टिस लेके दें, वहां जितना ये पैरा स्टाफ है ये सारा करप्शन की अमाजगा बन चुका है, जब तक पैसे ना दे सिस्टम नहीं चलता। बड़ी अहम निशानदेही कर रहे हैं, मैं इस पर मजीद आपसे मैं बात करूंगा, मेरे इस पर बड़े अहम सवाल हैं, लेकिन मैं जब आपने एक यहां पर पॉइंट उठा दिया, आपने कहा कि करप्शन की अमाजगा बन गया, वहां पर कॉपी जो 27 तारीख को मिलनी चाहिए थी, मैडम 6-6 महीने कॉपी नहीं बनती, 6-6 आप यहीं पर तजर्बा करते हैं, सुबह मैं 2 नकलें अप्लाई करता हूँ, एक पैसे देकर बनवा लेता हूँ, 1 घंटे में आ जाएगी, दूसरी 6 महीने नहीं बनेगी, 6 महीने नहीं बनेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, मिलेगी नहीं, बनेगी नहीं, वो कॉपी का फॉर्म हुआ वैसे ही पड़ा रहेगा। मैं कह रहा हूं कि आज आप चले सुबह रजिस्ट्रार साहब, वो इस चीज को क्यों नहीं उन्होंने अभी तक किया, कल से कॉपी का इशू बना है ना, कि कितने फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं, वो क्यों पड़े हैं भाई, आप फेवरेटिज्म करके या तो इन ऑर्डर चले ना, कि अगर आपके क्लर्क के पास 500 फॉर्म है, सही है, वो इन ऑर्डर करके चले जी 130 हो गए 140 तक पहुंच गए, वो पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से पैसे मिल रहे हैं,
और इस तरह ये सिस्टम चल रहा है, इसी तरह 100% मैं आपको सिस्टम इसमें चल रहा है। और ये हाई मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ज्यादा पैसे लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो थोड़े पैसे लगते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है कि हाई कोर्ट में एवरेज एक नकल का वो 1000 रुपया लेते हैं और नीचे जो है एवरेज नकल का 100-200 रुपया लेते हैं। जितनी सख्तियां हाईकोर्ट करते हैं उतना रेट बढ़ जाता है। आज भी आपने केस फिक्स करवाना किसी खास जज साहब के पास, उसके भी पैसे हैं, हर चीज का रेट है उधर आपने करवाना है। ये जितना स्टाफ बैठा हुआ है वो बात ये है, उस लड़के ने रिएक्ट इस सिस्टम के खिलाफ किया। अब मुझे बताएं, उस लड़के की तरफ देख लें, वो फॉरेन क्वालिफाइड है। आप कहते हैं कि जी यहां के जो वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये वो, उसने वहां का सिस्टम भी देख लिया, वो सिस्टम के खिलाफ रिएक्ट कर रहा है। हम इस तरफ क्यों नहीं देखते कि बार-बार वाकया क्यों बढ़ते रहते हैं? हमने देखना है, वाकये को देखना है, हमने वाकये के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि बीमारी हुई क्यों? लेकिन मैं इस पर एक और, मैं यहाँ पर नजीम, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। मैं शुरू में मैंने कहा कि मैं वकला बरादरी का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं अपने अदालतों का एहतराम करता हूँ, और यहाँ पर बैठकर अगर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई लड़ना है वकीलों के साथ, मुझे कोई अदालतों के साथ लड़ना है। मेरी जिम्मेदारी है सर कि मैं इसकी तरफ आवाज उठाऊं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी एक और भी है। जब ये मेरे दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा एक सवाल इनसे भी है, राना साहब यहां पर आकर बात कर रहे हैं, न्यूज नाइट में ये बात कर रहे हैं, अगर मैं वकला की तंजीमों की बात करना शुरू कर दूं, नौजवान वकीलों के इशूज है ना, सीनियर वकीलों के भी इशू, तमाम के इशूज हैं, जरा समझिएगा इस बात को। तो लाहौर बार एसोसिएशन मौजूद है, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद है, पंजाब बार काउंसिल मौजूद है, इसके साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल सारी जगहों पे मौजूद है ना, ढेर सारे उदेदार हैं, ढेर सारे बंदे हैं, क्या उन्होंने बात की कभी, इन इश्यूज को मीट किया, इस पर बात की? क्या ये बात न्यूज नाइट में होनी चाहिए थी, या ये बात हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये इश्यूज उठाए जाने चाहिए थे, हल किए जाने चाहिए थे? हर इलेक्शन के ऊपर जब मैं प्रोग्राम करता हूं, मेरे सामने एक चीज कही जाती है, हर ओहदेदार, हर उम्मीदवार एक बात कहता है कि हम नौजवान वकला के मसाइल हल करेंगे, हम उनको पता नहीं वो पैसे पूसे भी दिलवाएंगे, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, कख नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। मजीद उस पर बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़िम, बात कर रहे हैं उस अहम इशू के हवाले से जो एक वीडियो हमारे सामने आई, जिसमें हमारे एक वकील दोस्त जो हैं माजे जहांगीर साहब, वो किसी रिट पटिशन की तस्दीकशुदा नकल लेने के लिए कापी ब्रांच में गए और वहां पर उन्होंने जो तोड़ फोड़ की, ये तो वीडियो थी। और इसके ऊपर जो है एक मरतबा फिर वकला बरादरी को जिस तरह टारगेट किया गया, जिस तरह उन पर हमले किए गए, वो के जनाब इन्होंने तो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए करना है, अगर एक वकील ये सब कुछ कर रहा है। और जिस तंज के साथ मैं महसूस करता हूं कि अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको शेयर किया, हालांकि वो इसको तहकीक करके वाकया भी बयान कर सकते थे, वो एक पूरी मुहिम बन गई वकला कम्युनिटी के खिलाफ। जहां पर जो सूरत हाल बनी हुई है, जो इस वक्त मंजरनामा है, जिस तरह गुलाम नूर साहब चौधरी साहब यहां पर हमारे साथ मौजूद है, राना इंतजार साहब मौजूद है, वो हमें बता रहे हैं कि नकल लेने के लिए जाएं तो क्या हाल होता है। जो अल्फाज राना इंतजार साहब ने इस्तेमाल किए वो भी आपने सुने कि करप्शन की अमाजगा बने हुए हैं, ऐसे है। और आप कह रहे थे कि कई कई महीने नकल जो है वो नहीं मिलती, कोई साइल कभी आपने देखा डायरेक्ट जाके नकल ले? हालांकि होना तो ये चाहिए कि साइल वकील साहब को एंगेज ही ना करें नकल लेने के लिए, सही है, वहां पर जाए नकल ले ले। इससे भी मैं आगे जा करूंगा, ऑनलाइन आपको फौरी तौर पर कर देना चाहिए, हर बंदा घर बैठ के वहां से नकल लेते। इसके ये कौन सा दौर है? हमारे पास बड़ी सजेशंस हैं और नहीं, इसमें एक बात बताएं मुझे, मैं अब आ रहा हूँ सजेशंस पे आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा कि एक नकल आपको चाहिए, वो नकल आपके हक में है तो आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन करवानी है फैसले की, अगर वो आपके खिलाफ फैसला है उसकी नकल आपने लेनी है तो आपने अपील में जाना है। आपको अगर वो किसी इदारे में देनी है, हमने किसी इदारे में देनी है, अगर आपको वो नकल ही ना मिले कई माह तक तो आप कैसे आगे चलेंगे? उसमें खान साहब बिल्कुल नहीं आगे चल सकते, बल्कि ये होता है कि उस नकल ना मिलने की वजह से जो उसको रिलीफ अदालत ने दिया होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बेअसर हो जाती है, वो ऑर्डर ही बेअसर हो जाता है, और वो आकर जानबूझ के कहते हैं, कहते जी चूंकि हमें हमारे पास तो कोई हुक्म नहीं था, हमें तो कोई नकल नहीं मिली कोर्ट ऑर्डर की, हाँ जी, तो हुई होती है, तो इसमें फिर कोर्ट क्या करेगी?
कोई कोर्ट नहीं कर सकती। ये इंसाफ का कत्ल सिर्फ इसी वजह से हो जाता है कि वो फैसला नहीं मिला। अच्छा, जो मैं ब्रेक पर जाते हुए पॉइंट उठा रहा था वो मैं पॉइंट फरहान शहजाद साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल के, पॉइंट मैं ये उठा रहा था कि फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज पहुंच रही है अब तक फरहान साहब? जी नजब साहब आवाज आ रही है। जी जी बहुत शुक्रिया, फरहान साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल। फरहान साहब, ये जो सारा वाकया हुआ, ये जो अफसोसनाक किस्म का वाकया हुआ, यकीनी तौर पे ऐसे किसी वाकये की हमायत नहीं की जा सकती, और काले कोट के ऊपर एक मरतबा फिर एक तनकीद हो रही है, चढ़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत दूसरी सामने आ रही है वो ये है कि कॉपी बॉय से नकल ही नहीं मिलती। तो आप, मैं उन अहदेदारों से बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं जो लाहौर बार के हों, हाई कोर्ट बार के हों, सुप्रीम कोर्ट बार के हों, पंजाब बार काउंसिल से हों, किसी भी जगह से हों, वो इन इश्यूज पे बात क्यों नहीं करते? जी नजर साहब बहुत शुक्रिया, हम ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि हम किसी फोरम पे कोई मसला हो उसको टेकअप ना किया जाए, उसको कंसर्न्ड अथॉरिटीज के साथ शेयर ना किया जाए। ये मसला आज नहीं, ये जब से हाई कोर्ट बनी है, सिविल कोर्ट मौजूद है, आपकी कोई भी अदालत है, वो बैंकिंग कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है या ईटीसी है, ये वहां के रूटीन के मसाइल बन चुके हैं। उनके स्टाफ के, उनके जजेस की तरफ से फाइल का उस टाइम पे वापस ना आना, उसकी जजमेंट ना लिखवाना, और मुतलका स्टाफ की तरफ से कापी का जारी ना होना, तो स्टाफ क्लर्क ने, अहलमद ने, इन तमाम लोगों ने इसको करप्शन का एक जरिया बना लिया, और साइल को उसमें देरी से इशू करना एक रूटीन बना लिया, जिसको हमने हमेशा सेशन जजेस के साथ भी, हमने रजिस्ट्रार साहब हाई कोर्ट, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल हाई कोर्ट, इन तमाम के साथ हमेशा टेकअप किया, जब भी बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने इसको किसी भी फॉरम पे बात की। तो ये आज की बात नहीं, ये पिछली कई दहाइयों से ऐसा ही सिस्टम ये कंटिन्यूटी में है। एक मरतबा आपको याद है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम शुरू किया, तो ये इसी स्टाफ ने अपनी करप्शन के बंद होने की वजह से उसको चलने नहीं दिया, वरना ये तमाम जो दायरगी, फाइलिंग और कॉपिंग का सिस्टम था उसमें ऑनलाइन मौजूद था। बल्कि जो लोग पूरे पंजाब से, दूर दराज से, जंग, सादकाबाद, बहावलपुर, पिंडी, मुल्तान, वहां से फाइलिंग करने यहाँ लाहौर आते हैं, इनको उनकी मोनोपोली वो टूटती हुई नजर आई, इनके करप्शन के वो बाप बंद होते हुए नजर आए, तो इन्होंने वो फाइलिंग सिस्टम नहीं चलने दिया, और आज भी उसी तरह कॉपी ब्रांच में आपको एक रसीद थमा देते हैं, मैनुअल आपको फाइल लोकेट करवाना पड़ती है, अहलमद को जाके पैसे दे के फाइल निकलवाना पड़ती है, तो वहां से कोर्ट से निकल के ब्रांच आने तक कितने पहिए लगते हैं ये आपको हम शायद यहाँ नहीं बता सकते या नहीं बता सके, लेकिन ये हर फोरम पे मसला उठाया गया, लेकिन इसको किसी भी जगह एड्रेस नहीं किया गया। हम किसी सूरत उस शख्स का, माजिद का एक्ट जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन ये मसाइल भी अपनी जगह है। और दूसरा मसला जो हाईकोर्ट में नजर आया वो सिक्योरिटी का था, कि एक पुलिस वाला खाली हाथ आपके सामने आ रहा है और वो भी उसके कहने पे पीछे हट गया। वो साहब कितनी तसल्ली से माजे साहब डंडा लेके आए और उन्होंने तसल्ली के साथ तमाम शीशे तोड़े, ना किसी स्टाफ ने उनको रोकने की जरूरत की। अच्छा फरहान भाई, इस पे रहने दें, इस पे रहने दें, वो डरते हैं, पुलिस वाले भी डरते हैं आपसे। ऑनलाइन कर रहे हैं क्या जी? फरहान साहब को अप्रिशिएट करें, बार काउंसिल को ऑनलाइन। अच्छा, खुद बार काउंसिल को ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऑनलाइन खुद करवा रहे हैं। चले फरहान साहब, ये इस पे आपको अप्रिशिएट करते हैं जी, आप इसको ऑनलाइन करवा रहे हैं, जितनी चीजें ऑनलाइन होती चली जाएंगी, एक्सेस आसान होती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। अच्छा, अब आ गया इशू इसके ऊपर, तो सर ये सिस्टम ठीक किसने करना है? सर ठीक हमने मिलजुल कर करना है, और ठीक वो करेगा जिसके पास ज्यादा इख्तियार है, जो बाइख्तियार है सही, वो ठीक करेगा, क्योंकि जो जिसके पास इख्तियार नहीं है वो इसको ठीक नहीं कर सकता। इसको चीफ जस्टिस साहबान करेंगे सही, इसको जो है वो मुतलका जज साहबान, जिनके पास सुपरवाइजरी कमेटी है या जो कुछ भी है उनके पास इख्तियार है, वो करेंगे। जो इनकी भर्तियां हैं सर, वहाँ पर ये हाल है कि हर जो अहलकार है पैरा जुडिशल स्टाफ का, उसको ये समझाया गया है, उसकी ये गुट्टी में शामिल है कि काम को रोकना किस तरह है। हालांकि ये होना चाहिए कि यार काम को किस तरह हमने सर्व करना है, सर्व करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो काम को रोकने के लिए बैठे हुए हैं। हमने खुद प्रैक्टिस में लाए रहे हैं, हमें खुद
डेली बेसिस के ऊपर इस चीज हाई कोर्ट की बात करें, मुझे मातहत अदालतों के हवाले से हाई कोर्ट की बात करें, मातहत अदालतों के हवाले से सिस्टम बेहतर है, मातहत अदालतों का सिस्टम बहुत बेहतर है सर, ये हाई कोर्ट भी आसान होता है, वहां फेवरेटिज्म भी कम है। राणा साहब मैं कहता हूं कि वहां पर सर बेहतर इसलिए है कि वहां पर चल जाता है काम, वो ऑनर कर लेते हैं। हाई कोर्ट के लिए चूंकि वो इस तरह के बदतमीज जो है वो भर्ती की हुई है कि दे आर सपोर्टेड बाय देयर सीनियर्स एंड सुपीरियर्स, जो अपना रजिस्ट्रार साहब हैं या सब रजिस्ट्रार साहब हैं, वो कहते हैं जी, मैं जब बार काउंसिल में था अभी भी मीटिंगें होती हैं, कहते हैं जी आप सर हमें बताएं, वो भाई आपको हम बताते हैं तो करते क्या हो, बुलाओ जो डिलिंक्वेंट आपका जो है जूनियर है उसको, डिलिंक्वेंट को बुलाएं और उससे पूछें, नहीं ठीक है जी हम करें। भाई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का सिस्टम बहुत बेहतर है, उसको सर बुलाते नहीं है। सुपीरियर जुडिशरी से हमें नीचे सिस्टम में बहुत बेहतरी नजर आती है, और जो हमें ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। हम अभी एक और, मैं आपको बहुत बड़ा सॉरी सर मैं काट रहा हूं, अभी एक और हमारा बहुत बड़ा मसला है, डेली एक कोर्ट में 100 केस फिक्स कर दिया जाता है। अब जितने हमारे प्रोफेशनल दोस्त हैं जिन्होंने नीचे जाके भी काम करना है ट्रायल का, वो बुक हो गए हाई कोर्ट के अंदर, अब क्या होता है 40 केस लेफ्ट ओवर हो गए। आप केस उतने क्यों नहीं लगाते जितने आप कर सकते हैं? आजकल कोरोना का दौर है, अब अदालत फुल भरी होती है, या आप टाइम की मैकेनिज्म बना दें कि 9 बजे अर्जेंट केस होंगे, 10 बजे प्री रेस्ट होगी, 11 बजे पोस्ट रेस्ट होगी, इस तरह का मैकेनिज्म आ जाए ताकि लोग काम करते रहें। अब वो लोग लाइन बना के 200-400 की शक्ल में कोर्ट में बैठे रहते हैं, मेरी बारी कब आएगी, आखिर में क्या होता है? अब मुझे बताएं ये सिस्टम जिस तरह माजिद ने काम किया, अब लास्ट वीक में भी मेरे साथ दो दफा ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट में हम 4-4 घंटे बैठ के केस की हियरिंग के बगैर चले गए, 3-3 बजे तक बैठना पड़ता है सिस्टम लेफ्ट ओवर। अब ये जो सबसे बड़ा हमारे लिए कॉपी ब्रांच से ये बड़ा इशू है लेफ्ट ओवर, कि सारा दिन हम वेस्ट कर देते हैं, कोई बेचारा जंग से चल के आया, कोई मियां वाली से आया, कोई लहिए से आया, वो सारा दिन वेस्ट करके क्या जी लेफ्ट ओवर हो गया। मैं ठीक, अब केसेस ही कम अज कम उतने फिक्स कर लें, उस वजह से क्या होता है नीचे वाले केस डिले हो जाते हैं। अब जो नीचे केस जाके मैंने करना है उसमें तो डेटे होगी सर, तो मैं ये कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जितना हमारा केसेस में डिले हो रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह हाई कोर्ट्स में केसेस का लेफ्ट ओवर होना है, उसके वकला को एंगेज किया जाता है। इस सारी सूरत हाल को अभी बिल्कुल चोई साहब कह रहे हैं कि इस सिस्टम को ठीक उन तमाम ने करना है जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी है, जितने उसके पास इख्तियारात हैं और जितनी उसके ऊपर जिम्मेदारी है, जितना बड़ा ओहदा है उसने उतना ही इसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन ये सूरत हाल जो सामने आ रही है ये बड़ी तश्वीशनाक है। हम बार बार बात करते हैं कि हमने अपने जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना है, लोगों को आसानियां देनी है, और इसके लिए मैं साबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली खान साहब के दौर से लेकर अब तक जो यहां पर ऑनलाइन करने के लिए, इस निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए जो कुछ हुआ, मैं हाईकोर्ट बहुत कम जाता हूं, मेरा बहुत कम जाना हुआ वहां पर, लेकिन मेरा तसव्वुर ये था कि हम अपनी हाईकोर्ट को बहुत जदीद बना चुके हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल बना चुके हुए हैं, बहुत आसानियाँ पैदा कर चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो कुछ बता रहे हैं वो बड़ा तश्वीशनाक है। इस पर मज़ीद बात करूँगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़िम बात करें उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जब एक वकील माजा जहांगीर ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर एक डंडा पकड़कर वहाँ के सारे शीशे तोड़ दिए, उसकी वीडियो जो वायरल हुई तो उसके बाद हर किसी ने हमारी वकला कम्युनिटी के ऊपर तनकीद की। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि इसके बाद जो बार कौंसिल की तरफ से जो आया रिस्पॉन्स आया, जिस तरह उस वकील का लाइसेंस मंसूख करने तक पहुंच गए हैं, गिरफ्तारी भी हो गई, उसके साथ साथ इंसदादे दहशतगर्दी की दिफात भी लग गई, तो ये सारा कुछ जो हो गया ठीक हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है, हमने ये देखना है कि ये वाकया हुआ क्यों। मैं जब डॉक्टरों के साथ भी प्रोग्राम करता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपके साथ बैठ के मैं आपकी मजम्मत कर रहा हूँ, आप जो आपने ये जो बंद की है ना इमरजेंसी, या आपने ओपीडीज बंद की हैं, मैं आपके साथ नहीं हूँ, ये बाहर गरीब लोगों को देखें, आपने गलत किया है, माने आपने गलत किया है, और इस चीज़ के साथ भी आगे चलें कि आप इस तरह के काम ना करें, बिल्कुल ना करें, मेरे साथ वादा करें, मैं अपनी तरह ये पूरी कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा अगला सवाल क्या होता है कि आपने बंद क्यों की, क्या वजह थी कि आपने ओपीडी बंद कर दी, आपने इमरजेंसी बंद कर दी, आपने ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए, आप जो वहां पर लोगों को जिंदगी अल्लाह ने देनी है, जिंदगी आप तकसीम करते हैं, आप जिंदगियां तकसीम करते करते उसके दरवाजे बंद करके क्यों बैठ गए, आप बद दुआएं क्यों लेने लगे,
तो फिर उसके अंदर से और कहानियां निकलती हैं, और किस्म के वाकयात निकलते हैं, सिस्टम के बड़े बड़े फ्लॉज निकलते हैं, पता चलता है कि उनके साथ जुल्म क्या हो रहा है। इसी किस्म की स्टोरी यहां पर वुकला के साथ है, एक कम्युनिटी उधर है, एक कम्युनिटी इधर है। अब आना जी बात, तो सर इसको बाकायदा एजेंडा बनाना चाहिए। आप माशाल्लाह राणा इंसार साहब, आप इस वक्त भी मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के, इसको उठाएं, अपनी काउंसिल में उठाएं, इसको एजेंडा बनाएं, इसकी इस्लाहात करें, लोग तो इंसाफ लेने के लिए जाते हैं वहां पर। सर सुबह हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार साहब के अंडर काम करती है, सुबह चाहे अगर वो सिर्फ एक डायरेक्टिव जारी करें कि मुझे आज ला के दें कि कितनी नकलें बकाएं, जिस तरह चौहान साहब ने फरमाया जिसके पास जितना इख्तियार है, सही। ठीक, अब हम एक दफा जाके कह सकते हैं, दो दफा जाके कह सकते हैं, तीन दफा जाके कह सकते हैं, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, उनको भी पता है। मैं कह रहा हूँ कि कल से अभी तक 36 से 40 घंटे हो गए हैं। अच्छा, ये नकल निकालना बहुत मुश्किल काम है क्या? सर इसका कोई मुश्किल काम नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि करप्शन रुक भी चुकी है। हाई कोर्ट का जो अप्रिशिएटेड काम है वो भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मंसूर शाह साहब ने शुरू किया, हाई कोर्ट की ऐप मौजूद है, टेलीफोन हेल्पलाइन मौजूद है, पहले इन चीजों को पता करने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे लोगों को, अपने केस का अब ऑनलाइन पता चल जाता है कि केस मेरा कब लगा हुआ है, कब नहीं लगा हुआ, स्टेज क्या है, ये अप्रिशिएटेड है। सही, हाई कोर्ट में ये भी नहीं कि ऑनलाइन काम नहीं हुआ, ऑनलाइन बहुत काम हुआ है। अब हमें लिस्ट ऑनलाइन ऐप के ऊपर आ जाती है, मैसेजेस आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि केस हमारा लगा हुआ है, पहले वो लिस्टें आती थी। तो ये चीज़ हुई है। अगर इसी तरह इन तमाम मैटर को, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने इस पर काम शुरू कर दिया हुआ है, उनके काफ़ी सारे फैसले ऑनलाइन आ जाते हैं, अगर ये चीज़ें भी ऑनलाइन कर दी जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो जाएँ। अब कॉपी का क्या है सर, आपने नकल फॉर्म अप्लाई कर दिया सर, जिस भी मकसद के लिए आपको चाहिए आपने लिखना कि रीज़न क्या है, उसके बाद उन्होंने उस फाइल को उठाना है, उसकी कॉपी करवानी है, उसके जो रेलिवेंट चार्ज हैं वो हमने थ्रू कोर्ट फी पे करने हैं, उसके बाद कॉपी स्टैम्प्स लगा के आपको दे देनी है बस, कि दिस इज़ अ सर्टिफाइड कॉपी अकॉर्डिंग टू द फाइल विच इज़ इन हाई कोर्ट। ठीक, तो ये सारा काम होता है। आई थिंक कि अगर एक फाइल का कहेंगे तो शायद 10 मिनट का काम होगा, और उसके लिए ना पूरा 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 कानूनी हक है, पूरी कानूनी हक है, कानूनी हक है, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, फर्ज है, जरूरी नहीं है, ये फर्ज है, क्योंकि क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ही तस्दीक के बारे में है कि मेरे केस की कॉपी आप नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया ना जब। अच्छा, और कोई भी, अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि आप उसमें। अब दूसरा देखिए, माजे साहब की भी आप बात करते हैं, मेरा तो ख्याल में नकल ऐसे होनी चाहिए कोई भी पाकिस्तानी शहरी जाए नकल अप्लाई करे उसको नकल ऑटोमेटिक मिल जाए। अब कोई भी वकील साहब की क्लाइंट को मजबूरन सर्विसेज हायर करनी पड़ती हैं, इतना मुश्किल काम है ये। अच्छा, अगर मुझे नकल लेनी है तो मैं बकायदा वकील हायर करूंगा। सर वकील हायर इसलिए करते हैं ना कि उसके जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको आसानी से, वरना अच्छा, तो स्टाफ जो है आप डायरेक्ट चले जाएंगे तो शायद आपसे बहुत ज्यादा पैसे लेगा। अब मुझे बताएं, ये भी जो वकील साहब ने किया उसके पीछे भी तो कोई पाकिस्तानी सिटीजन है ना जिसको नकल चाहिए थी, जिसने इसकी सर्विसेज हायर की कि मुझे नकल चाहिए, इसने लड़ाई तो उस पाकिस्तानी शहरी की लड़ी। और वो अजीब सी बात तो मैं करने लगा हूँ, जिस क्लाइंट को नकल चाहिए होगी, उसने इम्प्लीमेंट करवाना होगा, वो माजिद को कहता होगा तू कादा वकील ने की नकल नहीं ला सकता। बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल। हाँ, अब तुम वकील किस चीज, क्योंकि तुम एक फैसला हुआ है या रिट पिटीशन हुई हुई है और यंग उसकी नकल लेनी है, और यंग लायर जिसके पास बेचारे के पास काम भी 2-4 केसेस का होगा, वो ऐसा लफ्ज सुन लेता है या फिर क्लाइंट उसको कह देता है मेरी फीस वापस कर दें, वो तो बेचारा सिस्टम का सताया हुआ है ना। मैं कह रहा हूं कि इस तरह हमने सिस्टम को ठीक करके आइंदा के लिए इस तरह के वाकयात को रोकना है, ताकि आइंदा इस तरह के और लोगों को फैसिलिटेट करना है, ताकि वो आसानी के साथ अपना जो हक है उसको ले सके। अगर हम इसको कंपैरिजन करें, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर सिस्टम काफ़ी बेहतर है। सर सुप्रीम कोर्ट में ये नकल वकल का जो है ना, ये कंपैरेटिवली बेहतर है क्योंकि वहाँ पर जो है वो लिमिटेड काम है, वहाँ पर बेहतर है। सही, इधर सर सब कुछ ठीक हो सकता है, एक तो जो स्टाफ का रवैया दुरुस्त हो, नंबर दो सर ये बात है कि जो ऊपर सुपरवाइजर हो जाए ना कि आपने अप्लाई करना है, इतनी देर में आपको मिल जाएगा। सर मैं आने लगा हूं सर, उसका बड़ा आसान सा तरीका है, एक नंबर लगता है, मसलन मैंने आज अप्लाई की है, मेरा 201 नंबर लगा है, अब जो 240 है उसको तो अगले दिन नकल मिल गई है, और 201 वाला जो है उसको नहीं मिली। ये होता है, ये देखा जाए, यही तो होता है, यही होता है, मैं कह रहा हूँ कल का वाक्य इसी वजह से हुआ है, उसको कह भी 201 ये वो कह भी 201 वाले को अभी तक नकल क्यों नहीं मिली। नजम साहब 201 वाले को मिलेगी तो फिर 202 वाले को मिलेगी, बिल्कुल ये सही है, ये एक असूल की बात है, ऐसे रूल की बात है। पहले नजम साहब यहीं पे बात करते हैं, माजद वाली नकल पे आ जाते हैं, मैं आपसे दावे से कहता हूँ, अभी इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड है ना, अभी हम सुबह बेशक आप चेक कर लें,
कि माजिद की नकल अप्लाई करने के बाद कितनी नकलें मिली? कितनी नकलें मिली? वही जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अप्लाई करने के बाद माजिद ने 20 को अप्लाई की है ना, जो कह रहा है रजिस्ट्रार साहब 20-9 को अप्लाई की है, हम चेक कर लेते हैं कि माजिद ने जिस वक्त जाके शीशे तोड़े हैं 20-9 के, उसके बाद कितनी नकलें बन चुकी हैं, उसको सुपरसीड क्यों नहीं मिली? उसको क्यों नहीं मिली? बेतरतीब से चलना चाहिए ना, उसकी तरतीब के बाद भी हजारों की हजारों नकलें। ये तो यंग लायर्स के लिए बहुत बड़ा एक इशू है। सीनियर्स तो चलो इसको मैनेज करते होंगे, चीजें करते होंगे, लेकिन जिन्होंने प्रॉब्लम वही है, उतनी ही तकलीफ है सीनियर्स को भी। और सर इससे बड़ी बात ये राणा साहब नकल की बात है ना, ये जो फिक्सेशन ऑफ केसेस है वहां पर बहुत बड़ा घपला है। जो एक पिटीशन आ रही है मसलन उसका 2000 नंबर है, वो 5000 वाली नंबर लग रही है, उसको पहले लगा रहे हैं, और जो 2000 वाली जो उससे पहले 2 महीने पहले आई है, 3 महीने पहले आई है, उसको लगा नहीं रहे। अगर वो लगा भी रहे हैं तो उसको टेल नंबर्स के ऊपर। मुझे लगता है कि मैं कहीं कोई तोहीन अदालत ना हो जाए, मैं हाई कोर्ट की तोहीन ना हो जाए, मैं इस पे मजीद डिस्कशन ही नहीं करना चाहता, मैं इस पे मजीद बात ही नहीं करना चाहता। जो चीजें यहाँ पर पॉइंट आउट की गई हैं, अफसोस की बात यह है कि हाई कोर्ट भी इस पर बात नहीं करना चाहती, इसीलिए ये सिस्टम ठीक नहीं, सिस्टम ठीक नहीं। अब लेकिन हमने कर दी है नजम भाई, इसीलिए ये सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, इस पर ठीक बात करनी है। आपको बात वो करते ही नहीं है, नहीं हमें करनी है, हमें करनी है, लेकिन इस जिस दिन उन्होंने बात की ये सिस्टम ठीक हो जाए। मुझे चीफ जस्टिस साहब से, मुझे रजिस्ट्रार साहब से, मुझे लाहौर हाईकोर्ट के तमाम मुअज्जज जज साहिबान से सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप चाहें तो यह सब कुछ ठीक हो सकता है, एक लम्हे में ठीक हो सकता है। और मुझे आपसे उम्मीद भी है कि आप इस थोड़े कहे को बहुत जानेंगे कि हमने जो कुछ कह दिया ये बहुत है, और इंशाअल्लाह आप इसको ठीक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़।